I was deeply affected by that. देखो मैं कितना violent हूँ, तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये funny नहीं लग रहा। तो I personally have a problem with what they have done. जितना मैं देखूँगा उतना और disturb हो जाऊँगा। A line is left. Yeah. Did these stand-up comedians and actors, in pursuance of freedom of speech, acted responsibly or irresponsibly? Okay. First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast. But I've heard about it. And I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us ki humne ye roast kiya aur ye hua. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech. No issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए violence सिर्फ physical नहीं होता कि मैं आपको दो जूते मारूं। Violence verbal भी होता है, violence emotional भी होता है। जब आप किसी को insult करते हो तो आप violence perpetuate कर रहे हो। आप एक बहुत ही violent चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना violent हूं। तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको violence दिखाऊं, चाहे वो फिजिकल हो और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है। आई डोंट लाइक इट। सो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु हैव लाइक्ड द शो एंड आई बिलीव दैट ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड वी आर अलाउड टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट आई गिव यू माय ओपिनियन। मुझे लगा कि इट वाज अ वेरी वायलेंट शो, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने अपने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा, मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा। और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरा मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हा 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 गाली दी उसने यार। आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ, तो मुझे मजा आएगा उसमें। किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें। तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट दे हैव डन, देयरफॉर आई हैव नॉट सीन द शो। क्योंकि मुझे आई फील कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना। इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं, मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूँ उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज़ कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूँ, और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा। तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर, इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा। दो क्लिप्स देखे मैंने, मैंने कहा मुझे नहीं देखना ये। अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की, ये अभी सेपरेट चीज है। देखिए अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो रही है, FIR can be launched, but it has to be proved also, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I am not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly. Witch hunting, yaar ye bakwas hai, inne kaise kiya, inko hum ban kar denge, hum ye kar denge. I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े
फर्म और स्ट्रांग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ, और आपने ये पब्लिकली किया तो मैं और डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आइंदा आप ऐसे ना करें प्लीज. एंड दैट इज वेयर आई शुड लिमिट माई इंटरफियरेंस इन दैट पर्सन हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ. हु एम आई टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योरसेल्फ. अगर मैं आपका कंडक्ट पसंद नहीं करता हूं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें. आई शुड अपील टू योर गुड सेंस नॉट टू डू दैट. एंड एट द वेरी लीस्ट एन एज लॉक हैज टू बी पुट इन. इफ यू आर, इफ आई एम यूजिंग लैंग्वेज ऑफ अ सर्टेन काइंड. मैंने भी फिल्म बनाई है डेली बेली, उसमें कई अश्लील शब्द थे. हमने वी अप्लाइड फॉर एन अडल्ट सर्टिफिकेट. आई वेंट आउट ऑफ माई वे इन एवरी एड ऑफ आवर्स टू टेल पीपल कि ये अडल्ट फिल्म है, इसमें अश्लील शब्द हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है हमने, आप प्लीज ना आए अगर आपको ये नहीं देखना है. तो एज अ क्रिएटिव पर्सन डू आई हैव द लिबर्टी? यस आई डू. आई ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई हैव टू फुलफिल बोथ. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच. आई हैव नो इश्यू विद द मैटर. आई ऑल्सो फील दैट ईच वन ऑफ अस हैज टू ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट हाउ वी आर यूजिंग दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच. एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू से ऑन दिस टॉपिक.